मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार हो गए, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए हैं, इसलिए बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिहार में महिलाओं पर अरवल के अंदर दो दो घर में गलत नियत से घुसा माँ और बेटी को पेट्रोल जलाकर जला दिया, इससे जंगल राज नहीं तो और क्या कहा जाएगा। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए हैं। दो दिन से हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले दो दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो दिन से हत्याएं हो रही हैं, दो दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। 48 घंटे के अंदर में 6 घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि आपसे बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार में जो आपने प्रगति किया है उससे निजात दिलाइए और इस्तीफा देकर तपस्वी का जीवन यापन करिए। महिलाओं पर अरवल के अंदर दो दो घर में गलत नीयत से घुसा और दोनों महिलाओं का हाथ, उसकी माँ का भी और उसका भी, मतलब जला करके पेट्रोल से जला दिया गया। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहलगांव के अंदर पीरपैती में कल ही 48 घंटे के अंदर में 6 घटनाएं, लोमहर्षक घटनाएं हुई है। 3 घटनाएं कल हुआ और 1 घटना परसों और 2 घटना उसके बाद, लगातार 6 घटनाएं बिहार में लोमहर्षक घटना घट रही है। किंतु मुझे लग रहा है कि सरकार हाथ थपथपा रही है और अपने, इसलिए मुख्यमंत्री जी हाथ पैर अब फूलना बंद करिए। आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार का जो आपने दुर्गति किया है, बिहार से निजात दिलाइए और आप इस्तीफा दे करके बस अपना तपस्वी का राज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आज कैमूर में कहा कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। मैं कई देशों के कई राज्यों का दौरा किया हूं, वहीं गुजरात हिमाचल में चुनाव को लेकर कहा कि जो गुजरात हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी काफी बढ़त में 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, बिहार के उपचुनाव में भी विजय प्राप्त करेंगे। भाई देखो, देश में जो राजनीति है, अभी पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। जो विकास पुरुष के रूप में उन्होंने विकास किया इस देश का, मुझे लगता है कि आज दुनिया भारत की ओर मुखातिब है। और इसलिए मैं लगातार कई देश के कई राज्यों से घूम के आ रहा हूँ। जो गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, हम दोनों में काफ़ी बढ़त में है और काफ़ी 2/3 बहुमत से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बिहार में उपचुनाव की बात है, तो बिहार के उपचुनाव में भी जो कुर्ली में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भी हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी